तो थंबनेल में आपने जो थंबनेल देखा है वो बिल्कुल सही है और यहां पे देख सकते हो कि साफ साफ आपको होम स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि एक सीएम नारायणम स्वामी अपील फॉर ऑडियंस टू बैन ऑनलाइन रमी सो यहाँ पर डायरेक्टली जो एक सीएम एम है नारायण स्वामी जी इन्होंने अपील किया है कि ऑनलाइन गेम्स को बैन किया जाए उस पर क्या है पूरा रिपोर्ट मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इसी टाइप की वीडियो चाहिए होगी तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस द बेलकन एंड दोस्तों हर एक इन्फॉर्मेशन मैं आपके पास लेके आता हूँ फैंटेसी से रिलेटेड गेमिंग से रिलेटेड बैटिंग से रिलेटेड तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो जहाँ पर मैं आपको न्यू न्यू टीम दिया करता हूँ और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक होगा देन जो सर जो वीडियो है वो क्या है आप देख सकते हो सो so, पडुचरी सी एम सी एम एक्स सी एम नारायण स्वामी अपील फॉर ऑडियंस टू बैन रमी सो so, अभी यहाँ पर ओनली अपील किया गया है कि रमी को बैन किया जाए ये अभी कन्फर्म नहीं है कन्फर्म आगे क्या रिपोर्ट होगा वो क्या होगा वो सब मैं आपको अपडेट करता रहूँगा ये देखोगे दोस्तों तो आज का न्यूज़ है बीस अक्टूबर यानी कि आज ये मॉर्निंग में मुझे ये न्यूज़ आई है जिसके बाद ट्विटर पर मैंने देखा और मैंने उस लिंक पर क्लिक किया तो मैं यहाँ पर पहुँचा और दोस्तों ये जी टू जी न्यूज़ चैनल है जो कि हर एक गेमिंग न्यूज़ को कवर करती है सो यहाँ पर देखोगे आफ्टर प्लानिंग टू बैन ऑनलाइन रमी द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर नारायण स्वामी हैज़ रिक्वेस्टेड द गवर्नमेंट टू ब्रिंग एन इमरजेंसी ऑडियंस टू पोटिस टू बैन ऑनलाइन रमिंग लाइक तमिलनाडु एंड ऑल्सो बैन पॉप्स डेट डिग्रेड हुमेन टू कल्चर एंड ड्रग्स सो आ, इसके बारे में मुझे उतना नॉलेज नहीं है बट हाँ इन्होंने अपील किया है कि ऑनलाइन रमी को बैन किया जाए जैसे तमिलनाडु में बैन है उस तरह से यहाँ पर भी बैन किया जाए सो so, अब आप मुझे कमेंट पे यह बताइए कि क्या आपके स्टेट में ये सब बैन है या नहीं है ओके ऑलमोस्ट वन वीक द मंथ नारायण स्वामी कॉन्गोलेट द तमिलनाडु गवर्नमेंट सेइंग इंग कॉन्ग्रेचुलेसन द गवर्नमेंट बैन द ऑनलाइन रमी इन तमिलनाडु यानी कि तमिलनाडु में करीबन एक मंथ पहले बैन हुआ था ऑनलाइन रमी और जिसके लिए उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेसन दिया था और अपने स्टेट में भी यहाँ पे देखोगे सो प्लानिंग कर रहे हैं बैन करने की पोडुचेरी में वेन आस्क अबाउट द रीजन नारायण स्वामी सैड डैट इट वॉज़ रिक्वेस्टेड बाय लोकल सेंग ऑनलाइन रमिंग हैज़ डिस्ट्रॉयड देयर हाउस होल्ड तो एक बात सही है ये ऑनलाइन रमी जो गेम्स है पहला बात मुझे उसका इतना नॉलेज नहीं है बट जितना हम जानते हैं ये सब यार हो तो गया गैमलिंग ही ना तो बैन कर भी देना चाहिए आ, उसके बाद यहाँ पर तमिलनाडु ऑल्सो रिसेंट पास द बिल और तमिलनाडु में तो लगभग सबको पता है कि हाँ बैन हो गई है सो ये बात है कि ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन ये एक आप जो ये है ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन कमेंटेड ऑन द बैन सेग दिस गेम्स हैज़ बीन क्लासीफाइड एज अ गेम ऑफ स्किल द सुप्रीम कोर्ट एंड ई गेमिंग फेडरेशन है प्लान टू चैलेंज द बिल ऑफ़ कोर्ट सो जैसे कि आपको पता है जब भी आप कोई न्यूज़ देखते हो गए तो वहाँ पर हमें यह सब गेम्स को क्या कहकर इंट्रोड्यूस किया जाता है द गेम ऑफ स्किल ओके कि भैया ये कोई जुआ हुआ नहीं है यह द गेम ऑफ स्किल है इसमें आप बहुत सा रिसर्च करते हो तब जीतते हो तो अब सिंपल वर्ड में, में मेरा ये कहना है कि अगर ये द गेम ऑफ स्किल है ओके okay? सो so, मुझे नहीं लगता कि रमी द गेम ऑफ स्किल है द गेम ऑफ स्किल कौन हो गया फैंटेसी जैसे कि ड्रीम इलेवन हो गया माई एल सर्किल हो गया वो हुआ गेम ऑफ़ स्किल जिसमें लोग रिसर्च करते हैं जिसको कुछ नहीं पता होता है आगे क्या होने वाला है बट ये तो रमी है यार जिसको जुआ खेलना आता है वही जीतेगा तो इस दोनों को एक में ऐड करना मैं कहूँगा बेवकूफ़ी है और मुझे ऐसा लगता है आप बताओ कि आपको क्या लगता है इस पर सब आप कॉमेंट करो नारायण स्वामी एल्सो डिलीवर दिस काइंड ऑफ ऑडियंस कैन एल्सो बी पास इन पॉलूस चैरी टू बैन ऑनलाइन रमी एंड गेमलिंग बार्स सो गैमलिंग बार्स क्या हो गया कि वहाँ पर मान लो कि एक कैफ़े होंगे और वहाँ पे गेम्स खिलाया जाता होगा गैमलिंग कराई जाती होगी तो दोस्तों इसको तो बैन करना चाहिए इसमें कोई दो राय नहीं है ही क्लेम ऑफ इट्स बैन इन तमिलनाडु देन वाई नॉट पेंडुचेरी सो सिंगल बात है उनका कहना है कि अगर तमिलनाडु में बैन हो सकता है तो भाई हमारे जगह पर क्यों नहीं हो सकता तो पेंडुचेरी में बैन कीजिए सो ओके देन देयर वॉज बिन रिस्पॉन्स फ्रॉम टोर पेंडुचेरी no response from the पेडुचेरी government. एट about bringing any kinds of emergency audience to ban online rummy. No one know the government plan to bring on any time soon. So सिंपल uh, है कि अभी तक इसका कोई भी response नहीं आया है इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू बट तमिलनाडु में बैन हो चुकी है और उसके बाद बैन होने के बाद ही होता है ना कि भाई अगर एक जगह बैन हुआ तो दूसरी जगह भी अपील करो वही हो रहा है एंड uh, बट अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आई है बट हाँ ये भी कहा जा रहा है कि कभी भी कुछ भी रिपोर्ट आ सकता है ओके सो so, मेरा लास्ट में यही है कि आप लोग अगर प्ले करते हो तो प्ले करना बंद कर दो और ऑनली ऑनलाइन गेमिंग ओके जैसे कि रमी वमी जो होता है वो सब एंड सेकेंड अगर आपका पेमेंट अटका हुआ है तो उसको आप निकाल दो क्योंकि कब क्या ऑर्डर आ जाए कोई गारंटी नहीं है न्यूज ऑफिशियल है ओके ये एक्स सी एम है नारायण स्वामी सो so, बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा इसी टाइप का मैं हर एक इफॉर्मेशन आपके लिए लेके आता हूँ दोस्तों मेरा हर एक इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है सो so, मैं चैनल को सब्सक्राइब करो मिलते हैं वीडियो में बाबा स्वाक है यू ऑल